मिस्टर इंदर, आज हर जगह हमारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट और डिपार्टमेंट पर सवाल उठ रहे हैं। जब हम अपने सीएम साहब की जान की हिफाजत नहीं कर सकते तो आम जनता को क्या सुरक्षा दे पाएंगे? और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप जैसे काबिल ऑफिसर के वहाँ होने के बावजूद भी देवा और उसके चंद गुंडे सीएम साहब को उठा कर ले गए। हैरानी है मुझे, और आपकी इस गलती पर मुझे अफसोस भी है कि जब आपको सीएम साहब ने बुलाया था तो आपने उनकी सिक्योरिटी के लिहाज से सारी तैयारियां मुकम्मल क्यों नहीं की? सिर्फ चंद ऑफिसर्स को लेकर आप वहां क्यों गए? सर, जिस तरह से उन्होंने मुझसे फोन पर बात की थी, मेरे लिए इमीडिएटली पहुंचना बहुत जरूरी था। आई डिड नॉट हैव टाइम टू वेस्ट। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि देवा ने सीएम साहब को अपने कंधे पर उठा रखा था। हमारे लिए उसे निशाना बनाना एकदम मुश्किल था क्योंकि गोली सीएम साहब को लग सकती थी। मिस्टर इंदर, मैं आपके और देवा के रिश्ते के बारे में जानता हूँ, उसके बाद भी मुझे आप पर पूरा भरोसा है। थैंक यू सर, इस भरोसे को कायम रखें। सर, मेरे लिए देवा एक अपराधी है, सिर्फ अपराधी। मिस्टर इंदर, हमें देवा चाहिए, जिंदा या मुर्दा। सर, हमने सभी 14 जोन्स को अलर्ट कर दिया है। देवा के ठिकानों की जानकारी के लिए हमने मुखबिर फैला दिए हैं। इस पूरे ऑपरेशन में 250 ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं। शहर के सभी एग्जिट पॉइंट्स को सील कर दिया गया है। डोंट वरी सर, देवा बहुत जल्द हमारी गिरफ्त में होगा। एक विशेष सूचना, आज सुबह करीब 11 बजे माननीय श्री मुख्यमंत्री साहब पर एक अपराधी देवा ने गोलियां चलाई। उनकी सुरक्षा में तैनात अंगरक्षकों ने देवा पर जवाबी गोलियां चलाई, लेकिन उनके द्वारा की गई पूरी कोशिशों के बावजूद देवा मुख्यमंत्री को लेकर फरार हो गया। पहले मुख्यमंत्री पर जानलेवा हमला करना और बाद में उनको अगवा करने के पीछे देवा का क्या उद्देश्य हो सकता है, इस बारे में पुलिस आयुक्त ने अभी तक कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है। मैंने कहा ना, मैं देवा के बारे में कुछ नहीं जानता। आप लोग मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? मुझे नहीं मालूम कि देवा कहाँ है। यहाँ आकर हर आदमी शुरू में झूठ बोलता है, लेकिन धीरे धीरे सच उसकी जुबान पर आ जाता है। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, तुम जिस तरह से मुझे परेशान कर रहे हो वो ठीक नहीं है। तुम बिना कसूर के एक आम नागरिक को इस तरह परेशान नहीं कर सकते। मैं भी एक वकील हूँ, कानून मैं भी जानता हूँ। बेटा वांटेड है, पुलिस से भागा फिर रहा है, और तू मुझे यहाँ कानून सिखा रहा है? ये तुमने ठीक नहीं किया ऑफिसर। मेरे बेटे के लिए मेरे आंसू बहुत बड़ी अहमियत रखते। अगर उसे पता चल गया तो मेरे एक एक आंसू के जवाब में तुम्हारा एक एक आदमी गिरना शुरू हो जाएगा। प्लीज 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 इंस्पेक्टर, अब हो गई तसल्ली आपको? मैं आपसे पहले ही कह रहा था कि इनको कुछ पता नहीं, लेकिन आप लोग तो। प्लीज बाबूजी माफ कर दीजिए, प्लीज बाबूजी माफ कर दीजिए। मैं एक ईमानदार आदमी हूँ इंदर बेटा, मैंने जिंदगी में आज तक झूठ नहीं बोला। देवा कहा ये मुझे तो क्या मेरे घर के किसी सदस्य को भी मालूम नहीं है। मैं जानता हूँ बाबूजी। नहीं मालूम है। देवा भैया, देवा भैया, क्या हुआ? आपके बारे में टीवी में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? आपके बारे में जो भी बताएगा उसे इनाम मिलेगा। तुझे नहीं चाहिए इनाम? नहीं देवा भैया, हमें नहीं चाहिए इनाम। अब तक मेरी सूचना के मुताबिक पुलिस देवा की तलाश नहीं कर पाई है। शहर में पुलिस व्यवस्था। देखिए मैडम, मैंने इनकी गोलियां निकाल दी हैं। इनकी हालत बहुत सीरियस होती जा रही है, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना बहुत जरूरी है, वरना ये मर भी सकते हैं। डॉक्टर साहब आपको कितनी दफे समझा चुके हैं कि इनको हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते। तो ठीक है, आप जो ठीक समझे करें। अब मैं यहाँ और नहीं ठहर सकता, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ बस। ओए! अपनी आंखें खोल और गौर से देख, तू कहां और किसके सामने खड़ा है। यहां बात सिर्फ एक बार समझाई जाती है बस। इनकी जिंदगी मैं भी चाहता हूं, इसलिए नहीं क्योंकि इनके सच कहने से मैं बच सकता हूं, इसलिए क्योंकि एक अच्छे इंसान है। और कुछ कहना है तुम्हें? क्या हाथ लगा हमारे, हाथ क्या लगा हमारे? छोटे भाई जैसा दोस्त लाल भी मारा गया, और देवा का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सके। तुम वक्त से नहीं पहुंचे, और जब पहुंचे भी तो अपने निकम्मे ऑफिसर्स के साथ। तुम लोगों की वजह से देवा निकल कर भाग गया। अगर देवा को वही मौके पर मार दिया होता तो तुम्हारी भी तारीफ होती, कल अखबारों की सुर्खियों में छपता। सीएम के कातिल को स्पॉट पर ही मार दिया गया। सीएम पर गोलियां मैंने चलाई हैं, कहीं वो जिंदा रह गया और उसने सब बोल दिया
अगर मुझ पर जरा सी भी आंच आई तो समझ लेना इंदर सक्सेना। जिंदाल साहब, काम तो आपने भी अपना पूरा नहीं किया। सीएम को मारने की जिम्मेदारी किसकी थी? आपकी। लेकिन आप चूक गए। चिल्लाओ मत इंदर सक्सेना, चिल्लाने की औकात नहीं है तुम्हारी। तुम्हारी पोजीशन तुम्हारे दफ्तर में होगी। यहाँ जिंदाल। रिलैक्स जिंदाल साहब प्लीज। बात पोजीशन की नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है कि जो कुछ भी हुआ वो। हेलो हेलो, इंदर जिंदाल के सामने इस तरह। बीबी जी कपड़े ले लो। ये लो। ये ले। लेकिन मेरे पास तो छुट्टी नहीं है। अरे रहने दे, कल दे। नहीं, मैं अभी लेके आई बीबी। अरे जी, कोई बात नहीं, कल दे देना। अभी लाई बीबी जी, अभी लाई। चली गई। आ, आ, क्या है ये इंदर भी कितने लापरवाह हो गए। पेन मुझे आकाश के पास मिला, जिसके पास इसका कैप है वही उसका खूनी है। मतलब इंद्र ने। बहन का अपने भाई के लिए इतना प्यार आज पहली बार देखा। आज पहली बार देखा। क्या बताने जा रही थी तुझे कि मैंने आकाश को मारा? मेरा नाम बता रही थी तू? हाँ, मैंने ही आकाश को मारा। हैरान मत हो, तुझे याद है ना किस तरह से तेरे भाई देवा ने मेरे भाई विलास का हाथ उखाड़ दिया था? तूने तो सिर्फ उसका हाथ उखाड़ते हुए देखा था, जबकि मैंने अपने भाई को तड़प तड़प के मरते हुए देखा है। इतना बड़ा धोखा, रिश्ते, प्यार, शादी,
तूने तो बड़ा ही नीच काम किया है इंदर। मेरे मेरे देवता जैसे भाई को मारा, तुझे तो कभी भगवान भी माफ नहीं करेगा। भगवान तेरी यहाँ से नहीं सुनेगा, बहुत ऊंचा सुनता है। तुझे उससे फरियाद करने के लिए ऊपर जाना होगा। मेरी धर्म पत्नी होकर मेरा ही राज खोलेगी। चल। कहाँ से आ रहे हो? फौजी एयरपोर्ट से। टिकट खोलो। अच्छा सर। ये क्या कर रहे हो देवा? तुम यहां रुको, मैं देख कर आती हूं। Ah!
वैसे भैया कुछ भी हो पूरे मोहल्ले में चर्चे हैं आपके। आज आपने जिस तरह से उन लोगों की पिटाई की, वाह भाई वाह, अब तो लोग जान गए कि गुड्डी का भाई भी कुछ है। मुझे पहले अपनी दुल्हन बनी बहन को जी भर के देख तो लेने दे। भैया भैया तुम सुन रहे हो ना, भैया मुझे पता चल गया है आकाश भैया को किसने मारा। पंडित जी, मैं अपनी बेटी की अस्थियों के लिए आया हूँ। वो तो लड़की का भाई ले गया। कौन, देवा? हाँ हाँ, यही नाम था उसका। आप जिनकी अस्थियां लेकर आए उन्हें याद कीजिए। देखा गुफा